नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। जब से अमित शाह ने अपने बिल को पास किया है, तब से ही सड़क पर ड्राइवरों की लंबी कतारें लगना शुरू हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10 साल का सजा। जी हाँ, यानी अगर उस ड्राइवर से किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसको 10 साल का सजा और जो जुर्माना राशि रखा गया है, जैसे 50 लाख रुपया ड्राइवर भाई कैसे दे पाएंगे, इसको लेकर के ही पूरे हिंदुस्तान में सभी ड्राइवर की तरफ से 1, 2, 3 जनवरी को चक्का जाम किया गया है, यानी स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन शुरू किया गया है। आइए सुनिए, जानते हैं इन ड्राइवर भाइयों का क्या है मामला और कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक जनता सहेगी मोदी की मार। फाइन दीजिए ना कि ये हम पर हाथ उठाए, तब ना आपका हम सुरक्षा करके ले जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह। अच्छा, ये जान के एक्सीडेंट होता है क्या? ना जान के कोई चाहता है क्या? आप गाड़ी चलाते हैं, एक बैन जो कहते हैं मेढक, उसको आप चढ़ाना चाहते हैं क्या? साइड मोटरसाइकिल से चलते हैं तो वो भी नहीं कोई चाहता। आप अपने पर लीजिए ना सर, आप एक मेढक को चढ़ाना चाहते हैं मोटरसाइकिल से? नहीं नहीं, नहीं चलाते हैं तो जान के एक्सीडेंट कहीं होता है क्या? वो तो दुर्भाग्य है कि हो जाता है, मेढक पर भी चढ़ता है तो आपका दुर्भाग्य है या उस मेढक का दुर्भाग्य। अब आगे बताइए आप। फिर ये कानून जो है ड्राइवर के लिए, यह तो कानून सरकार उनकी है, जो चाहेंगे सो कर लेंगे। मौखिक बात है, जैसे अभी शिक्षा विभाग में देखिए के पाठक सारा छुट्टी रद्द हो गया, और फिर जब लोग रोड पर आया तो फिर छुट्टी बहाल हो गया। तो ये तो अपने बिहार का दुर्भाग्य है कि वैसे वैसे पदाधिकारी लोग आते हैं, जो जब में आया वो कानून लागू कर दिए, वो उनके गाड़ी से अमित शाह जो लागू किए हैं उनके गाड़ी से अगर कहीं मूव में कहीं अगर जा रहे हैं चुनावी सभा को संबोधित करने, अगर वहां किसी पब्लिक को लग जाएगा तो उनको संबोधित करने का मौका देगा क्या? क्या ये कानून वापस लेना चाहिए? बिल्कुल, ये बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसे कहने का ड्राइवर लोग जो भाई लोग जो कह रहे हैं कि हम 10 लाख कहाँ से भरेंगे, ये 10 लाख इनको जिंदा मुंह छोड़ेगा तब ना भरेंगे, इनको तो जिंदा कोई छोड़ेगा नहीं। कभी सुने हैं कि किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो और वहाँ पर ड्राइवर भाई पकड़ा गया हो और वहाँ उनको लोग अगरबत्ती दिखाया हो, उसको तो सीधे लोग, हाँ जानकार लोग भी हैं तब भी कहते हैं कि मारो इसको, मारो। तो कहाँ से ये कानून कहाँ से सत्य लग रहा है? गलती हो ना हो पहले मारो, पहले मार दो, पहले मार दो। अगर मेरे गाड़ी पर समझिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वहाँ पर 5 गो लोग बैठे हुए हैं उस गाड़ी पर, उस 5 के साथ अगर ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर भाग भी गया, तो ये निर्दोष भाई जो है पहले इसको लोग मारते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये ड्राइवर है या इसके साथ है कोई सहयोग में ले जा रहा है। अच्छा, साल का पहला दिन है, ऐसे में तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, साल का पहला दिन है कि हम लोग रोड पर आए हुए हैं, सब कोई घर में है, आप भी सोचते हैं यही घर में बैठ के हम खाना पीना खाएं अपने बाल बच्चे के साथ, हम लोग रोड पर है। सर एक चीज बताइए जी, सर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो जो कानून आया है उसमें जो कड़ा प्रावधान है, लेकिन अगर जब मूव ड्राइवर को मार दे उसके लिए सरकार कोई कानून नहीं बना रही है? बात है वही, या तो आप इसीलिए कहे हैं कि अगर ड्राइवर से लगता है और मैं पहले इनको पकड़ा, आपके वीडियोग्राफी के द्वारा अगर मेरा चेहरा आया तो हम पर 20 लाख फाइन करे ना सरकार पहले कि इस पर हाथ क्यों चलाए हो, तो उसके बाद हम लोग साथ है, सरकार के साथ है, तो मारने वाले के लिए एकदम सबसे बड़ा उसको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ड्राइवर के लिए तो कोई सुविधा नहीं। क्या नाम है? नाम तो मेरा राम बाबू सिंह हुआ। अभी गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी तो चलाते करते हैं, गाड़ी का चाबी मिले हाथ। क्या मामला है आज आप लोग सड़क उतरे हुए हैं? ड्राइवर लोग का जो हम लोग हड़ताल किए हुए हैं, जो 5 लाख का डिमांड है, एक्सीडेंट होने से लोग मर जाएगा, 5 लाख का डिमांड है, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे, कहाँ से 10 साल का जो बीवी बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा अगर हम लोग 10 साल के लिए जेल चले जाएंगे तो? क्या चाहते हैं? क्या चाहता है? कानून वापस लिया चाहिए, वापस लिया जाए। कहाँ कहाँ जाम किए हुए, कहाँ कहाँ? दिल्ली मोड़ है, लारियात राय, टावर चौक, स्टेशन पट्टी, मधुबनी, सिमरी, पंडोल, उसरी, बहेरी, तहरी, मोहम्मदपुर, हर जगह हड़ताल है। हम लोग ऑटो का ड्राइवर है, अब बताइए अमित शाह जो लागू कर दिया है नियम, ये नियम हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे? क्या है नियम में, क्या चीज लागू कर दिया? नियम में कह रहा है कि 10 लाख रुपया दो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मौत हो जाएगा किसी आदमी का, तो उसको हम 10 लाख रुपया देंगे और 7 साल का जो सजा हमको करेगा
क्या अमित शाह मेरे परिवार को खिलाएगा क्या? हाँ। मोदी खिलाएगा क्या चाहते हैं? अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। एक दो क्या नाम हुआ? हाँ, मेरा नाम हुआ मनीष कुमार, मोहम्मद जीशान नाम हुआ। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेम्पो खाली करवा रहे रिक्शा वाले से? यहाँ जो सरकार जो है नया नियम बनाया है कि जो ड्राइवर है 3 लाख रुपए का यहाँ गाड़ी नहीं है, 10 साल का सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देंगे भैया? इसी के लिए हम सब जो है बंद किए हैं। सभी ड्राइवर भाइयों के लिए का बस से सोचना है, दिनांक 1-2-3 तारीख पूरे भारत बंदी है। बंदी का कारण यह है कि पहले जो कानून बना किसी कारण एक्सीडेंट हो जाता था तो पहले ड्राइवर का बेल होता था। अब का कानून बनने वाला है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर को 10 साल का जेल और 5 लाख जुर्माना। ऐसे में ड्राइवर कैसे गाड़ी चलाएगा? तो एक पेमेंट का ठिकाना नहीं है, कहीं 3 लाख 3 हजार तो कहीं 4 हजार तो कहीं 5 हजार। इसलिए सभी ड्राइवर भाइयों के विनती एवं अनुरोध है कि कहाँ पे अभी आप लोग कहाँ पर है? खानका चौक दरभंगा।